पड़ोसी देश नेपाल से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। बता दें, नेपाल के पोखरा में आज येती एयर का एक यात्री विमान क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि विमान काठमांडू से पोखरा के लिए रवाना हुआ था और लैंडिंग से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। फ्लाइट में कुल 72 लोग सवार थे, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स थे। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। आज सुबह 11 बजे कास्की जिले के पोखरा में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अब तक कुल 45 लोगों के बेजान शरीर बरामद किए जा चुके हैं। पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हुए येती एयरलाइंस के विमान पर सवार 5 भारतीय समेत सभी 72 यात्रियों की जान जाने की आशंका है। अधिकारियों की माने तो किसी के जिंदा बचने की गुंजाइश बहुत कम है। वहीं विमान में कुल 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद प्लेन टुकड़ों में बट गया। दुर्घटना स्थल पर सैकड़ों की तादाद में राहत कर्मी मौजूद हैं। फिलहाल अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है। हादसे के बाद प्लेन एक आग के गोले में तब्दील होने की वीडियोस भी सामने आई हैं। ऐसे में कई लोग कयास लगा रहे हैं कि इस दुर्घटना में शायद ही कोई जीवित बचा होगा। जो वीडियोस आ रहे हैं वो भी काफी डरावने हैं। इन्हें देखने भर से अंदाजा लगाया सकता है कि क्रैश कितना भयानक रहा होगा। जानकारी मिली है कि इस प्लेन में सवार 5 भारतीयों में संजय जायसवाल, सोनू जायसवाल, अनिल कुमार राजभर, अभिषेक कुशवाहा और विशाल शर्मा शामिल थे।